दोस्तों, जैसा कि आपने आज हमारा का प्लान देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। अगर आप भी ऐसा प्लान चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज का जो प्लान होने वाला है, एक बेहतरीन सा विला टाइप का होने वाला है, जिसमें मैंने एशियंट हाउस को और मॉडर्न हाउस को दोनों को कम्बाइंड किया है। दोनों का मिक्सचर ये प्लान होने वाला है। और यहाँ पर जो आपका फ्रंट एलिवेशन होगा, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इसी मॉडल को डिजाइन करेंगे, इसी मॉडल को डिजाइन करने वाले हैं। तो पूरा मॉडल आज हम आपको लाइव करके दिखाएंगे, तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, उसका मैं साइज अभी बताऊँगा आपको, वीडियो आपको पूरा देखना होगा। और इसके बाद अगर आप इसको बनवाना चाहते हैं और आप इसका 2D प्लान चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। और मैं जैसा कि ऑलरेडी बताता रहता हूँ कि मैं एक अपनी पेड सर्विस चलाता हूँ, जिसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के घर का नक्शा बनवा सकते हैं, कोई भी मॉडल आप क्रिएट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको पे करना होता है, 50% पहले करना होता है, 50% बाद में करना रहता है। नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हाउस डिजाइन करके दिया जाता है। तो आज का जो मॉडल होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, तो चलो इसे डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, प्लान पूरा कितना खूबसूरत होने वाला है। मैं जब बना रहा था ना, तो मैंने सोचा भी नहीं था कितना खूबसूरत प्लान बनेगा। फ्रंट एलिवेशन जो है इसका, इतना गजब का डिज़ाइन जो आपके सामने दिख रहा होगा, ये पूरा मॉडर्न डिज़ाइन आपके सामने, एक बेहतरीन सा। हालांकि मैंने आसपास विंडो वगैरह यूज नहीं किए हैं, बट मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें यूज करूँ तो इसे रेंडर करने में बहुत सारा समय लगता है मॉडल को। इस वजह से मैं फ्रंट का ही सारा चीज़ बनाकर रखा हूँ जो आपको दिखाना है। साइड में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे अपडेट कर दूंगा। तो ये देखिएगा, जो प्लान होने वाला है, ये आप खेत में बनवा सकते हैं या कहीं पर भी बनवा सकते हैं, आपके पास जगह होनी चाहिए कुल मिलाकर के। और ये आगे जो आप देख रहे हो ना, ये खफरेल का डिज़ाइन बहुत ही घर को एक नया लुक दे रहा है, एक नया डिज़ाइन दे रहा है। वहीं बात करें इसके ग्रिल वगैरह की, ये भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दिखने में लग रही है। फ्रंट एलिवेशन जो इसका पोर्च टाइप का बना है, ये पिलर बने हुए हैं, के भी आपको यूनिक ही देखने को मिलेंगे। तो इसी मॉडल को डिफाइन करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देख सकते हैं आप ग्राउंड फ्लोर पर कितनी बेहतरीन चीज़ें बना रखी हैं। ये आपका पोर्च है, देखिए दो पिलर हैं, ये दो पिलर इधर, दो पिलर इधर, और बहुत ही इसके बाद बीम पड़ा हुआ है। इसके बाद ये इधर एक बेडरूम है, जिसमें मैंने विंडो दिया है बेहतरीन सा, और ये ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन। इसके बाद इधर की बात करें तो ये दोस्तों किचन एरिया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। किचन में तीन विंडो दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं एक पॉलीगन टाइप का बनाने के शेप बना रहा है आपका। फ्रंट डोर ये है, ये जहाँ से आप एंट्री करेंगे, तो आप मैं टॉप व्यू पहले आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों ऊपर से घर का नक्शा आपका दिखने वाला है, जिसमें तीन HR बेडरूम बने हुए हैं। तो जैसे आप अंदर जाएंगे, तो ये आपका पोर्च टाइप का है, यहाँ से मैंने डोर दिया है इस गेस्ट रूम को एक्सेस करने के लिए। हालांकि यहाँ पर मैंने विंडो भी एक फ्रंट में दिया है, साइड में विंडो नहीं दिया। अगर आपके पास साइड में भी जगह है तो वहाँ पर भी विंडो लगा सकते हैं। इसके बाद ये आपका किचन एरिया है, इसको मैंने डोर अंदर से दिया है। मेन डोर से आप जैसे एंट्री करते हैं तो आप आ जाते हैं लॉन में। सबसे पीछे आपको तीन बेडरूम देखने को मिल जाते हैं, देखिए लगातार तीनों बेडरूम आपको पीछे मिलते हैं। ये आपका बड़ा सा लेट एंड बाथ देखने को मिलता है, इधर से आपकी स्टेयर्स हैं, टर्न होकर बाहर की तरफ आएंगे। और ये आपका किचन का डोर है, ये आपका फ्रंट में दिख रहा है ना, ये किचन, बड़ा सा किचन मैंने दिया है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। अगर ये जो यहाँ पर ये आपका बना हुआ है विंडो, ये आपका बेहतरीन सा ओल्ड टाइप का बना हुआ है। और यहाँ पर ये पूरा फोर बेडरूम लेट बाथ किचन और स्टेयर के साथ ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, जिससे और आपको इसकी रियलिस्टिक चीज़ें पता चल जाएँ इसमें क्या क्या मैंने बना रखा। तो ये पूरा इसका ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर देख सकते हैं टेक्सचर ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन मैंने ज़्यादातर देने की कोशिश की है। ये जो येलो और आपका ये जो दिख रहा है कलर, जो भी इस कलर को आप बोलते हो, तो ये कलर के पर्दे लगे हुए हैं यहाँ पर देख सकते कर्टन, और ये पूरा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर मैंने एक साथ क्रिएट किया है। आप अंदर की रेड कलर का जो देख रहे हैं ना, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। और 4.5 फिट का लगभग बाउंड्री वॉल दोस्तों ये बना हुआ है ऊपर, और उसी में ग्रिल वगैरह का डिज़ाइन है। ये देखिए चारों तरफ एक खफरेल का डिज़ाइन मैंने बनाया। अगर आपका चारों तरफ जगह नहीं, तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, केवल फ्रंट में ही बना सकते हैं। कुछ चीज़ें ओवरलैप हुई हैं, ये
आप घर जब बनवाएंगे तो अंदर वाला ये खपरा है, ये सब आपको हटा देना है। मेरे में कुछ चीज़ें ओवरलैप हो गई बनाते समय, तो आप उसे सिर्फ बाहर वाले एरिया की आपको कवर्ड करना है। तो इधर से देख सकते हैं ग्रिल, और इधर आपकी बेहतरीन से ये डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है ग्रिल का। इधर भी देखिए, यहाँ पर राउंड शेप में भी आपका मैंने कुछ चीज़ क्रिएट कर दी, और ऊपर पेड़ पौधे लगा दिए बेहतरीन से डिजाइनिंग के लिए। तो ये ओवरऑल मकान था। अब मैं बात करता हूँ उसके साइज़ की। तो उसका साइज़ है 33x36, 33x36 फट में मॉडल बना हुआ है बेहतरीन सा आपके लिए। तो अगर आपको ये मॉडल हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर इसके आप कॉस्ट की बात करना चाहते हैं कि कॉस्ट कितना लगेगा, तो ये लगभग दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है। तो अगर आप ऐसा ही घर सेम टू सेम चाहते हैं, इतना ही डेकोरेशन फ्रंट में सारी चीज़ें, तो आपको लगभग इसमें 10 से 11 लाख अप्रॉक्सीमेट जो मेरे यहाँ का कॉस्ट है आपको लग सकता है सारा फिनिशिंग तक घर में अगर बात करें। तो ये मॉडल बहुत खूबसूरत है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आप हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, ये मॉडल कितना बेहतरीन हो सकता है आपके लिए। अगर आप भी घर बनवाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन सा डिज़ाइन आपके लिए मैंने यहाँ पर बना कर दिया है। और ये डिज़ाइन जैसा कि मैंने बताया, एंशेंट हाउस जो पुराने घर होते थे और जो मॉडर्न हाउस है, दोनों का मिक्सर है। यहाँ पर मैंने दोनों को मिक्स करके इस मॉडल को रेडी किया है आप लोगों के लिए। अगर मॉडल आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। मैं इस मॉडल की इमेज ऑलरेडी पहले अपने यूट्यूब चैनल पर दे चुका हूँ, कम्युनिटी में आप जाकर चेक कर सकते हैं। मॉर्निंग में मैंने दे दिया था, ये वीडियो थोड़ा सा बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और वीडियो को रिकॉर्ड करने में समय भी लगता है, एडिटिंग में समय लगता है वगैरह। तो इस वीडियो को आप फुल आप देख सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो या आप हमारे प्लान से सहमत होते हो, हमारे प्लान आपको अच्छे लगते हो, आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, शेयर करके। और चैनल स्मॉल हाउस प्लान को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जैसा कि आपको मैं लगातार बताता रहता हूँ। और दोस्तों मैं आपसे एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम है शेयर मार्केट अड्डा। उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर भी उसे सब्सक्राइब करिएगा। और शेयर मार्केट से अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो वहां पर जा करके आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते हैं, लगातार अपडेट मिलते रहते हैं। आप वहां पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके वीडियो को वॉच करें। वो हमारे एक फ्रेंड का ही चैनल है, आप उसे ज़रूर एक बार विजिट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।